पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान में चल रही परेशानियों पर बात की है। उन्होंने आम जनता के सामने आ रही पेट्रोल और पैसों की किल्लत को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान के राजनेताओं पर निशाना साधा है। बुधवार को पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर ने ट्वीट किया, लाहौर में किसी पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल नहीं बचा है और ना ही एटीएम में कैश बचा है। राजनीतिक फैसलों से आम लोग क्यों परेशानी उठाएं? मौजूदा समय में पाकिस्तान के राजनीतिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में 10 अप्रैल को तख्ता पलट देखा गया था। उस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर रहे इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 10 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस वोट पड़े और वो पाकिस्तान के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए अपने पद से हटना पड़ा। इमरान खान की जगह विरोधी पार्टी के शहबाज शरीफ को मुल्क का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें इमरान के जाने के ठीक एक दिन बाद 11 अप्रैल को मुल्क का नया वजीरे आजम घोषित किया गया। हालांकि इसके बाद से आ रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है। पाकिस्तान अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तख्ता पलट होने के बाद ही पाकिस्तान के आर्थिक हालात बिगड़े हुए हैं। पड़ोसी मुल्क इससे पहले से ही IMF के मोटे कर्जे के तले दबा हुआ है और इमरान खान की सरकार के दौरान महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा था। ऐसे में हफीज ने अपने इस ट्वीट में पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और मौजूदा PM शहबाज शरीफ को भी टैग किया है जिससे वो आम जनता की इन परेशानियों को समझ सके। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेली है जिसमें उन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। हफीज ने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 12,000 इंटरनेशनल रन्स और 250 विकेट अपने नाम किए हैं। हफीज पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे हैं। ये खबर आपके लिए लिखी है विपिन ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप।